देश के राजनीतिक हालात पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निशाना साधा है। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस से जाने वाले लोग हमेशा हमने देखे हैं कि वो गुर्राते हुए जाते हैं लेकिन फिर दुम दबाकर वापस लौट आते हैं और ऐसे अनेक उदाहरण हैं। इस दौरान उन्होंने एक शेर भी कहा। बघेल ने कहा, कुछ तो मजबूरियां रही होगी वरना यूं ही कोई बेवफा थोड़ी होता है। कमलनाथ सरकार के गिरने वाले सवाल पर सीएम बघेल ने कहा कि भाजपा विधायकों की बैठक में कितने लोग थे, उनकी संख्या क्या थी, सरकार बचेगी अभी यह सिर्फ शुरुआत है, कमलनाथ जी के पत्ते खुलना शेष है। मध्य प्रदेश से कांग्रेस के विधायकों को छत्तीसगढ़ लाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जैसा आला कमान का निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली रवाना होने से पहले रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, जहां उन्होंने बता दिया कि राज्य की 2 राज्यसभा सीटों के लिए उम्मीदवार तय करने हैं। वह पार्टी के आलाकमान के साथ इस पर चर्चा करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से बड़े नेता के तौर पर देखे जाते थे। उन्होंने रविवार को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद मध्य प्रदेश में राजनीतिक उठापटक और तेज हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी भाजपा पर ट्वीट करते हुए हमला बोला। वही खबर है कि पूर्व कांग्रेस सांसद और केंद्रीय मंत्री सिंधिया दोपहर तक भाजपा में शामिल हो सकते हैं, जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भाजपा मुख्यालय में सिंधिया को सदस्यता दिलाएंगे। अमित शाह के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया पीएम मोदी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। राज्यसभा के प्रत्याशी तय करना है और 13 तारीख लास्ट डेट है। हमारे छत्तीसगढ़ में 2 राज्यसभा सदस्य जाने हैं और दोनों कांग्रेस के जाएंगे और इसलिए हाईकमान से चर्चा करने दिल्ली जा रहा हूँ। अब ऐसा है, कुछ तो मजबूरियाँ रही होगी वरना कोई यूं ही बेवफा थोड़ी होता है। ऐसा है, बिल्ली के भाग से सीखा नहीं टूटता। और मध्य प्रदेश के बारे में ये कांग्रेस से जो जाने वाले लोग हैं वो हमेशा हमने देखा है कि घुर्राते हुए जाते हैं और धूम दबा के आते हैं और ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो बड़े जोर शोर से शोर मचाते हुए गए और धूम दबा के वापस आए। कमलनाथ विक्ट्री साइन दिखाते हुए निकले थे जबकि सिर्फ 88 विधायक बैठक में शामिल हुए थे, फिर भी इतना कॉन्फिडेंस? एक चीज़ बताओ, भाजपा के विधायक दल के बैठक में कितने लोग बैठे थे? कांग्रेस का आंकड़े दिखा रहे हैं लेकिन भाजपा का आंकड़े क्या है? और अभी टेस्ट फ्लोर होने दीजिए, कमलनाथ की सरकार बचेगी। सर, पुनिया जी ने भी सर इस पर ट्वीट किया था। पुनिया जी का ये कहना है कि 15 साल बाद सरकार आई और 1.5 साल में भी हम एक अपने अच्छे नेता को हम रिटेन नहीं कर पाए। मैं नहीं देखा हूँ उसको। सर, क्या लगता है कि सरकार बचेगी? आपका तमाम सरकार बचेगी? अभी शुरुआत हुई है, अभी कमलनाथ जी के दांव कहाँ सामने आए हैं। पार्टी जो आदेश करे, ठीक है, थैंक यू। पार्टी की हालात हर वक्त समान नहीं रहते। पार्टी की जब मुसीबत पैदा हो तो पार्टी के छोड़कर चले जाना ये एक किस्म की, जिस पार्टी तुम्हें इतने कुछ दिए हैं उस पार्टी से बेईमानी जरूर कर रहे हो। पार्टी के खिलाफ तुम जाके हमारे पार्टी के साथ गद्दारी करोगे, हमारे पार्टी को जो ख़त्म करना चाहते हैं और बीजेपी पार्टी को तुम और बलशाली करने की कोशिश करेंगे तो पार्टी क्या चुपचाप बैठे रहेंगे? ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.